मैं पहले तो करोड़ों देशवासियों की ओर से और देवभूमि हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने अपना जीवन ही सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है और सेवा सप्ताह मनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इसको मना रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपदा के समय भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत काम किया। कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर देश के 76 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाना अपने आप में रिकॉर्ड समय में किया। मैं जहां एक और कोविड वॉरियर्स को बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को, बाकी सबको करता हूँ, वहीं पर नेतृत्व देने के लिए मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा नेता जिसकी आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, देश की ओर से हम कामना भी करते हैं। वहीं पर अस्पताल में आकर फल वितरण समारोह भी किया, स्वच्छता अभियान भी करेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा सप्ताह मनाएंगे। मैंने भी पिछले कल मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, जिसमें हमने अब तक 6 लाख लोगों का मुफ्त में जाँच, उपचार और दवाइयाँ देने का काम किया है, 6 लाख लोगों को 5,000 गाँव में, अब उसमें 15 गाड़ियां और जोड़कर हमने लक्ष्य रखा है कि 21 लाख लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और सेवाएं देने का काम अगले 5 वर्षों में हम करेंगे। जैसे मोदी जी ने स्वास्थ्य का बजट 2.5 गुना ज़्यादा किया, हमारा भी प्रयास है कि आम व्यक्ति भी किसी ना किसी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे और स्वस्थ रहने के लिए वो सब मापदंडों को फॉलो करे जिसकी आवश्यकता है, कोविड के समय भी, उसके बाद भी। थैंक यू सर। सर सर, जिस तरह से आज जो है मोदी जी का जन्मदिन भी है और स्वर्णिम हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र भी बुलाया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति हो, संस्था हो या राज्य हो या देश हो, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत महत्व के होते हैं और आज हिमाचल भी जो स्वर्णिम जयंती मना रहा है हमारे पूर्ण राज्य बनने के, मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक समय है अपनी अब तक की उपलब्धियों को देखने का और यहाँ से अगला लक्ष्य निर्धारित करने का कि हमें हिमाचल को कहाँ लेकर जाना है। सभी हिमाचलवासियों को धर्म, जाति, पार्टी से बाहर निकलकर एकजुट होकर इस छोटे से राज्य को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में एक आइडियल के रूप में खड़ा करने के लिए सबको लक्ष्य रखना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाकर हिमाचल को नंबर 1 राज्य बनाने का प्रयास करना चाहिए।